विंडोज 10 में आप किस तरह से डेट और टाइम को चेंज कर सकते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ जहाँ पे टाइम और डेट आ रही है वहाँ उसके ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे। देन ये वाला जो मेन्यू है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसमें एक ऑप्शन है एडजस्ट डेट एंड टाइम। इस ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करें। जैसे ही डेट टाइम के ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुलेगा। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है सेट टाइम ऑटोमेटिकली, तो ये ऑप्शन जो है वो ऑलरेडी ऑन है। तो अगर ये ऑप्शन ऑन है तो इसका मतलब है कि विंडोज़ जो है वो आपका डेट और टाइम इंटरनेट से उठाएगा अकॉर्डिंग टू जो भी आपने अपना टाइम जोन सेट किया हुआ है, जो भी आपने अपनी लोकेशन सेट की हुई है उसके हिसाब से इंटरनेट से वो ऑटोमेटिकली उसका टाइम उठा लेगा और सिस्टम में सेट कर देगा। यहाँ अगर आप टाइम जोन के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप इंडिया में हैं तो आप ये चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली ये वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। अदरवाइज़ जो आपकी लोकेशन है उसके अकॉर्डिंगली आप अपना टाइम जोन सेट कर सकते हैं। जो भी आप टाइम जोन सेट करते हैं उसके अकॉर्डिंगली आपकी डेट और टाइम ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती है। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं कि डेट और टाइम को आपने इंटरनेट से नहीं लेना है, आप मैन्युअली उसको उठाना चाहते हैं, तो देन मैन्युअली सेट करने के लिए आप सेट टाइम ऑटोमेटिकली ऑप्शन को ऑफ कर देंगे और यहाँ ये बटन एक्टिवेट हो जाएगा सेट डेट एंड टाइम मैन्युअली। नाउ क्लिक ऑन इस ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक करेंगे चेंज वाले बटन पे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसके अंदर आप देख रहे हैं कि डेट, मंथ, ईयर, आवर्स, मिनट्स, एएम, पीएम, ये सारे सिंबल्स की जो सेटिंग्स हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं, जैसे भी आप करना चाहते हैं। अपनी मर्जी की जो भी आपको डेट टाइम की सेटिंग करनी है वो करो और चेंज ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही चेंज के ऊपर क्लिक करेंगे आपकी अपनी मर्जी का जो मैनुअल टाइम है वो एडजस्ट हो जाएगा। वैसे सबसे जो अच्छा ऑप्शन है वो है सेट टाइम ऑटोमेटिकली। अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है तो सबसे बेटर ऑप्शन है यही ऑप्शन ऑन करके रखें, सेट टाइम ऑटोमेटिकली। तो ये ऑटोमेटिकली बिल्कुल जो परफेक्ट टाइमिंग है वो इंटरनेट से उठा लेगा, अदरवाइज आप मैनुअली भी एडजस्ट कर सकते हैं। कई बार मुझे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आते हैं कि डेट और टाइम की सेटिंग चेंज करने के बाद भी जब भी हम दोबारा से सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं या दोबारा से बूट करते हैं तो जो डेट और टाइम है वो फिर से किसी डिफ़ॉल्ट डेट के ऊपर दोबारा से सेट हो जाता है। हर बार हमें दोबारा से बार बार जो टाइमिंग्स हैं वो चेंज करना पड़ता है। तो इसका एक ही मेन जो रीज़न है वो ये हो सकता है कि जो आपके सिस्टम के अंदर मदरबोर्ड है उस पर एक सेल है, ये सेल होता है लिथियम सेल या इसको हम सीमॉस बैटरी भी बोलते हैं। तो ये सेल या तो वीक हो चुका है या पूरी तरह से डेड हो चुका है। तो हमें करना क्या है कि इस सेल को हमें रिप्लेस करना है। जैसे ही हम इस सेल को रिप्लेस कर देंगे उसके बाद जब भी आप सेटिंग करने के बाद आप अपना सिस्टम दोबारा से रीबूट करोगे तो आपका जो डेट एंड टाइम है वो हमेशा करेक्ट इंफॉर्मेशन दिखाएगा। तो अगर बैटरी वीक हो चुकी है तो इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो दिस विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।